दोस्तों भारत के इतिहास में 14 जनवरी की तारीख का अपना एक खास महत्व है। 14 जनवरी सन 1761 में अफगानी शासक अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं की सेना आपस में टकराई थी और इस युद्ध को हम पानीपत के तीसरे युद्ध के रूप में जानते हैं। यूं तो पानीपत के मैदान में कुल 3 जंगें हुई। पानीपत की पहली जंग सन 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई, जिसमें बाबर की जीत हुई। पानीपत की दूसरी जंग 5 नवंबर सन 1556 को बाबर के पोते बादशाह अकबर और हेमू के बीच लड़ी गई, जिसमें फिर से एक बार मुगलों की जीत हुई। वहीं पानीपत की तीसरी जंग 14 जनवरी सन 1761 को अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच लड़ी गई। ये युद्ध अपने आप में इसलिए भी खास है कि इस युद्ध में मात्र एक ही दिन के अंदर लाखों की तादाद में दोनों ही तरफ के सैनिक मारे गए और वो मराठा साम्राज्य जो हिंदुस्तान का ताकतवर साम्राज्य बनकर अभी उभरने की कोशिश ही कर रहा था, उसका पतन भी इस युद्ध के बाद लगभग पूरी तरह हो गया। क्या कहानी थी पानीपत के तीसरे युद्ध की और कैसे अफगानी शासक अहमद शाह अब्दाली ने मात्र 70,000 सैनिकों के साथ मराठाओं की लगभग 3,00,000 से भी बड़ी महाविशाल सेना को हराया था। दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है सन 1707 से। मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर की मौत के बाद अंदरूनी षड्यंत्रों के कारण मुगल साम्राज्य बड़ी तेजी के साथ कमजोर हो रहा था और रही कही कसर ईरानी हमलावर नादिर शाह ने 16 फरवरी सन 1739 में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह को करनाल के युद्ध में हराकर पूरी कर दी थी और वो मुगल साम्राज्य के खजाने को भारी तादाद में लूटकर अपने साथ ले गया। इस हमले के बाद जहां मुगल साम्राज्य पूरी तरह से कमजोर पड़ चुका था, वहीं हिंदुस्तान में एक साम्राज्य ऐसा भी था जो दिन प्रतिदिन ताकतवर और विशाल होता जा रहा था और इस साम्राज्य का नाम था मराठा साम्राज्य, जिसका मकसद पूरे हिंदुस्तान में मराठा परचम को लहराना था। लेकिन दोस्तों फिर मराठाओं का यह सपना चकनाचूर होकर रह गया और एंट्री हुई अफगानी शासक अहमद शाह अब्दाली की। कहते हैं जब मराठा सेना लगातार अपने विजय अभियानों को आगे बढ़ा रही थी, तभी उनके सैनिकों के द्वारा मुसलमानों पर अत्याचार बढ़ते जा रहे थे। इसी को देखते हुए इस्लामिक स्कॉलर शाह वलीउल्लाह देहलवी ने अहमद शाह अब्दाली को एक खत लिखा और मदद की गुहार लगाई, जिसके बाद शाह वलीउल्लाह देहलवी का खत मिलते ही अहमद शाह अब्दाली अपनी 70,000 अफगानी सेना को साथ लेकर दिल्ली के लिए रवाना हुआ और 14 जनवरी सन 1761 को अफगानी सेना और मराठा सेना पानीपत के ऐतिहासिक मैदान में आमने सामने थी। एक तरफ जहां मराठा सेना का नेतृत्व सदाशिवराव भाऊ कर रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ अहमद शाह अब्दाली ने खुद अपनी सेना का नेतृत्व संभाला हुआ था। कहते हैं पानीपत के इस तीसरे युद्ध से पहले सदाशिवराव भाऊ ने जितने भी युद्धों में मराठा सेना का नेतृत्व संभाला था, सभी में उसे जीत मिली थी। लेकिन दोस्तों इस बार उसकी राह बिल्कुल भी आसान नहीं थी, क्योंकि उसका सामना था अफगानी शासक अहमद शाह अब्दाली से, कि जिसके बारे में उस वक्त मशहूर था कि मराठाओं को रोकने की ताकत अहमद शाह अब्दाली ही रखता है। यह युद्ध हुआ और अहमद शाह अब्दाली ने मात्र 70,000 अफगानी सेना के साथ मराठाओं की 3,00,000 की फौज को बुरी तरह शिकस्त दी और इस नामुमकिन सी दिखने वाली जीत को मुमकिन में तब्दील कर दिया। आपकी जानकारी के लिए बता दें, यह युद्ध 7 घंटे तक चला और इस युद्ध में दोनों ही तरफ के लगभग 1,50,000 सैनिक मारे गए, जिनमें से ज्यादातर मराठा सैनिक ही थे। ये युद्ध मराठाओं के लिए कितना विनाशकारी साबित हुआ, इसका अंदाजा आप इस बात से ही लगा सकते हैं कि जो मराठा साम्राज्य कुछ दिन पहले हिंदुस्तान का सबसे ताकतवर साम्राज्य बनकर उभर रहा था, उसका पूरी तरह से पतन हो गया और अहमद शाह अब्दाली फिर से दिल्ली की कमान मुगलों के हाथों में सौंप कर वापस अपने देश अफगानिस्तान लौट गया। तो दोस्तों आप पानीपत की इस तीसरी जंग को कैसे देखते हैं? आपको क्या लगता है, अगर पानीपत की तीसरी जंग ना होती तो भारत का इतिहास कैसा होता? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। शुक्रिया। जय हिंद।